चीनी लोन ऐप के इश्यू में ना कोई चीनी ऐप था ना कोई है, पर हमारे देश के 52 लोगों ने उसके कारण खुदकुशी कर ली है। और कितना पैसा गया, कैसे गया, उसका विस्तार से विवरण आपके सामने रखूंगा। आंखें बंद करके आंखें दिखाने की कला जो प्रधानमंत्री जी ने हासिल की है वो देश के लिए बन गई है बला। क्योंकि बातें हुई गुलाबी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, पीली आंखें, लाल आंखें, पर यहां तो आंखें खुली नहीं रही। साथियों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कोई ठोस काम किया है। और आज मैं जो लेटेस्ट आंकड़ा आपके सामने लेके आया हूं कि पिछले 2 साल में चीनी लोन ऐप्स ने, जो कि लगभग 1100 डिजिटल लोन ऐप्स है आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1100, उनमें से, ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक कह रहा है कि उनमें से 600 इलीगल है। 1100 लोन ऐप है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं आपको बताऊंगा, और कैसे वो लोगों को अपने अपने अंदर जकड़ते हैं और क्यों जकड़ते हैं, वो उसकी मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा। पर 1100 लोन ऐप के में से रिजर्व बैंक कहता है कि 600 लोन ऐप जो देश में चल रहे हैं वो इल्लीगल है। और 2017 से 2020 के बीच इन लोन ऐप से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 12 गुना की वृद्धि हुई है, 12 times, मतलब अगर परसेंटेज में देखें तो इंक्रीज ऑफ 1200% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाया दिस लोन ऐप। और 1100 लोन ऐप में से 600 इलीगल चल रहे हैं, ये मैं नहीं, रिजर्व बैंक कह रहा है। और उनके कारण देश के 52 लोगों ने, ये तो घोषित आंकड़ा है, अब तक खुदकुशी कर ली है। जो ट्रेंड आया है उसके अनुसार कोविड के बाद मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को भयंकर चोट लगी, क्योंकि उनकी नौकरी गई। और नौकरी के जाने के साथ साथ आपने महंगाई का उनके ऊपर और डबल झटका दिया, तो उनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा नहीं बचा। तो वो परिवार, मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार, इन चीनी लोन ऐप के शिकंजे में जकड़ चुके हैं, जो कि 600 लोन ऐप इलीगल भारत में चल रहे हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, सबसे पहले समझिए। ये फोन है, फोन में आप प्ले स्टोर पे जाकर इन लोन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर लोन ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं है तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वो ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे ही वो इंस्टॉल होता है, वो आपसे मांगता है आपकी फोन बुक, आपकी फोटो गैलरी और आपके मैसेजेज की एक्सेस मांग लेता है। हम लोग जल्दबाजी में या इतना हमारा ध्यान ना उसकी तरफ नहीं जाता, हम उसको हमारी फोन बुक, हमारी फोटोज की, हमारे मैसेज की एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद वो बोलता है यूजर को कि आप अपना आधार और पैन कार्ड दीजिए, तो हम हमारा पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं उस ऐप के ऊपर। उसके पश्चात वो ऐप 5,000, 4,000, 3,000 रुपये देता है। कितने दिन के लिए? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लिए। और 5,000 रुपये आप उस ऐप से ले लेते हो तो आप समझ लो गए, क्योंकि 7 दिन का लोन में वो 5,000 से 10,000 रुपये रकम वापिस मांगता आपसे, डबल। कुछ पैसा वो लोन प्रोसेसिंग का ले लेता 1,500 रुपये, 2-3 हजार रुपया ब्याज का, 7 दिन का ब्याज के रूप में ले लेता है। आप चलो मान लो उसका भुगतान भी कर देते हो, तो वो लोन अपने आप भुगतान के बाद 2-3 हजार आपके बिना मांगे आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है, ताकि आप उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सको। मध्यम आय वर्गीय परिवार उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सके, बिना मांगे 2-3 हजार ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो आपने जो वापिस चुकाया है पैसा, वो उसको क्रेडिट नहीं मानता और आपसे पैसा मांगता है इंटरेस्ट के रूप में, लेट फीस के रूप में। ये सब होने के बाद अगर जो बोरोवर है, जिसकी नौकरी गई है, जो महंगाई से त्रस्त है,
वो अगर पैसा नहीं चुका पाता है तो आपकी मोर फोटोज वो आपको भेजना चालू करता है। अगर आप उसमें भी कुछ नहीं बोलते हो तो आपके पास चीन से फोन आते हैं व्हाट्सएप पे कि अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपकी नग्न तस्वीरें आपके सारे जो यूजर जो फोन बुक में नंबर्स है सबको हम भेज देंगे। आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमने आपके फोन बुक से लिए वो आपके सारे मित्रों को दे देंगे। नतीजतन क्या होता है, जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो अपने परिवार सहित खुदकुशी कर लेता है। ये कब से चल रहा है, पिछले 2.5-3 साल से ये काम चल रहा है। पर प्रधानमंत्री जी की चीन के प्रति एक ही नीति है कि लाल आंख पीली आंख गुलाबी नीली छोड़ दीजिए, उनकी एक ही नीति है आंखें बंद करके आंखें दिखाने की जो उनके पास कला है उससे देश के लिए वो बला बन चुकी है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, इस लोन ऐप के द्वारा 500 करोड़ रुपए हवाला के जरिए चीन में गए हैं। 500 करोड़ रुपीज वाया हवाला हैज बीन ट्रांसफर्ड टू चाइना वाया दीज लोन ऐप्स। एवरीबडी इज अवेयर, रिजर्व बैंक इज सेइंग कि आपके 600 लोन ऐप इल्लीगल है। लोग परिवार सहित खुदकुशियां कर रहे हैं, 52 लोग अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। तो पहले महंगाई दो, फिर बेरोजगारी दो, और उस बेरोजगारी और महंगाई की समस्या से निपटने के लिए बोलो जाओ चीनी ऐप से पैसा ले लो, और वो चीनी ऐप हिंदुस्तान के नागरिकों का सारा डाटा अपने पास ले रहा है। इस बाबत हमारे 3 पर्टिकुलर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जांच एजेंसियां जिसमें ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनका काम सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को बेमतलब के हैरेस करना ही है कि इस 500 करोड़ रुपए की हवाला की भी वो जानकारी लेंगे और इसका संज्ञान लेते हुए ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से जो लोग इसमें लिप्त हैं कि जिन्होंने हवाला के जरिए 500 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का रुपया चीन को ट्रांसफर किया। नंबर 2, 52 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि 600 लोन ऐप इल्लीगल है। भारत सरकार किसका इंतजार कर रही, मैं आईटी मिनिस्टर का दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनके पास ना तो कोई राइट है ना ड्यूटी है, वो सिर्फ नाम के हैं। पर प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं बोलते, 52 लोगों ने खुदकुशी कर ली है, रिजर्व बैंक कह रहा है 600 लोन ऐप इल्लीगल है। अभी तक वो लोन ऐप हिंदुस्तान में कैसे चल रहे हैं, उनकी हमारा आईटी प्लेटफॉर्म उनको कैसे मिल रहा है, कैसे लोग दिन ब दिन उसके चंगुल में ज्यादा फंसते जा रहे हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं पुलिस में, साइबर क्राइम में शिकायतें कर रहे हैं तो साइबर क्राइम में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे क्योंकि वो चीनी ऐप चीनी में चीन में रजिस्टर्ड है। वो कहे हम किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और देश की सरकार मुख दर्शक बनी हुई बैठी है। मोदी जी, ऐसा क्या रिश्ता है आपका शी जिनपिंग के साथ,